जानिए घर में शिवलिंग रखना सही है या नहीं। देवताओं में अगर सबसे दयालु किसी को माना गया है तो वो है भगवान शिव। लेकिन किसी से गलती हो जाए तो फिर उससे बड़ा कोई क्रोधी नहीं होता है। भगवान शिव इतने भोले हैं कि जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है तो उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर के पास मंदिर नहीं है, या फिर बुजुर्ग लोग हैं जो मंदिर नहीं जा सकते हैं और भगवान शंकर की पूजा करना चाहते हैं। तो ऐसे में यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल है कि क्या घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए या नहीं। यदि हाँ तो किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस दिशा में शिवलिंग रखना अधिक शुभ हो, तो इस बारे में उससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। फर्स्ट, दिशा का रखें विशेष ध्यान। वैसे तो घर में कोई भी शिवलिंग रख सकता है, लेकिन इससे जुड़ी नियमों की जानकारी होना ज़रूरी है। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए, यह अधिक शुभकारी होता है। हालांकि शिवलिंग स्थापित करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल विधि पूर्वक पूजन बेहद जरूरी है। पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए। सेकंड, प्राण प्रतिष्ठा से बचें। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए, उसको वैसे ही रखकर विधि विधान से पूजा करना चाहिए, उनका नित्य अभिषेक करना चाहिए। थर्ड, कोने में न रखें शिवलिंग। शिवलिंग अगर घर में स्थापित कर रहे हैं तो उसे कोने में या किसी ऐसी जगह ना रखें जहां उसकी पूजा न कर पाए। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। फोर, शिवलिंग का स्थान ना बदलें। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग का स्थान न बदले। अगर विशेष कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान करवाएं, फिर जगह को बदलें। फाइव, बिना किसी पात्र के दूध ना चढ़ाएं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध खरीदा और चढ़ा दिया। ऐसा करने से बचना चाहिए। बिना किसी बर्तन के दूध कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का ध्यान रखें और दूध ठंडा होना चाहिए, भले ही कोई भी मौसम हो। शिव का अभिषेक केवल गाय के दूध से ही होना चाहिए। सिक्स, शिवलिंग को अकेले न रखें। जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हो तो ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेले न रखें। इसके साथ माँ पार्वती और गणेश की मूर्ति भी रखें। सेवन, कभी न चढ़ाएं तुलसी की पत्ती। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियाँ नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। एट, शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद कभी ना खाएं। शिवलिंग पर आप कुछ भी चढ़ाएं, उसे स्वयं कभी भी न खाएं। हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूसरों को बांट देना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए को स्वयं ही खा लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनका भाग्य हीन हो जाता है। आगे जानते हैं किन बातों का रखें विशेष ख्याल।
स्पष्ट पानी का रखे विशेष ध्यान। आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा पात्र लटका रहता है, जिससे हर समय पानी टपकता रहता है। इसलिए जब आप भी अपने घर पर शिवलिंग स्थापित करें तो पानी की व्यवस्था ठीक तरह से करें। दिन या रात हो, हर समय शिवलिंग के ऊपर पानी गिरते रहना चाहिए। 2. चंदन का टीका लगाएं। भगवान शिव की पूजा में चंदन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे शिवलिंग पवित्र और ठंडा रहता है। पूजा वक्त मुख्य रूप से शिवलिंग पर 3 अंगुलियों से चंदन लगाया जाता है। उसके बाद शिवजी की पूजा करके उनके माथे पर भी त्रिपुंड बनाना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव पूजन में कुमकुम या सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। माँ पार्वती को आप यह लगा सकते हैं। 3. बेल चढ़ाएं। भगवान शिव को बेल फल पसंद है। माना जाता है कि यह फल चढ़ाने से इंसान की उम्र लंबी होती है। इसलिए आप भी सुबह स्नान करने के बाद बेल का फल भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। 4. पंचामृत चढ़ाएं। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत दूध, गंगा जल और चीनी, शहद और मेवा जैसे 5 चीज़ों से मिलाकर बनाया जाता है। 5. सफ़ेद फूल चढ़ाएं। शिवलिंग पर सफ़ेद फूल ही चढ़ाने चाहिए। यह कहा जाता है कि सफ़ेद फूल भगवान शिव को बहुत पसंद हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को भूलकर भी केवड़ा या चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने अभिशाप दिया था। 6. अभिषेक में रखें इन बातों का ध्यान। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें, इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा शिवलिंग को अभिषेक चांदी, सोने या पीतल से बने नाग या योनि जैसे किसी पात्र में करना चाहिए। अभिषेक करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अभिषेक कभी भी स्टील के स्टैंड में नहीं करना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।